अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बेक विद AW। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चॉकलेट कपकेक की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें 4 टेबल स्पून कोको पाउडर, 3/4 कप मिल्क, 1 कप मैदा, 1 कप आइसिंग शुगर, 1/4 कप ऑयल, 2 eggs, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ओके, देन हमने एक बाउल में 2 eggs लिए, उनको वनीला एसेंस के साथ बीट किया। वनीला एसेंस हम चाहिए 1 टीस्पून, ठीक है। देन उसके बाद इसको हमने मिक्स किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने ऑयल को ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद इसे दोबारा से मिक्स किया। देन इसके बाद इसके अंदर हमने आइसिंग शुगर को ऐड किया जो कि 1 कप है। इसको अच्छे से मिक्स किया ताकि कोई लम्स इसमें ना रहे। अच्छे से बीट करने के बाद तो भी अच्छे से बीट हो जाए तो इसके अंदर हमने डाल दिया। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किया मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर। इन तीनों चीज़ों चारों चीज़ों को आपने 3 स्टेप में जो है वो आपने इसको इस मिक्सचर के अंदर डालना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिल्क को ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा 3 स्टेप में जब ये हो जाए अच्छे से मिक्स, तो इतना बीट करें इसको कि इसके अंदर लम्स ना हो, क्योंकि लम्स होने से केक में वो बात नहीं होगी ना, वो इतना फ्लफी बनेगा। जब आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से छान लें और दूध इसमें ऐड कर दें अच्छे से स्पैचुला के साथ, पूरे मिक्सचर को इतना मिक्स करें कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसको मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आपने एक दफ़ा दोबारा से स्पैचुला लेना है और इसको पूरा का पूरा साफ करना है। देन इसके बाद एक बार दोबारा से इसको बीट करना है ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हमारा टेक्सचर ना बहुत रनी होना चाहिए ना बहुत हार्ड होना चाहिए ताकि इजीली जब हम पोर कर रहे हैं कपकेक के लिए तो वो स्मूथली हमें अच्छे से मिल जाए। कुछ इस तरह का टेक्सचर हमारा होना चाहिए। उसके बाद आपने कपकेक की ट्रे जो कि मार्केट में आराम से अवेलेबल है, और उसके बाद कवर्स, इसके अंदर कवर सेट करने हैं। देन इसके लिए सबसे आसान ये है कि आप एक जो है आप पैकिंग बैग लीजिए जो कि मार्केट में और आराम से मिल जाते हैं। आप तो इसके अंदर ये मिक्सचर थोड़ा सा डालिए, इससे आपको इजी हैंडल करने में आसानी रहेगी। उसके बाद आप इस पैकिंग बैग को इजीली यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद आप इन सब को पोर कीजिए 1/2 से थोड़ा ज़्यादा ताकि जब बेक हो के ये रेज हो तो ओवर ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसको प्रीट ओवन करना है 10 से 15 मिनट के लिए और इसको बेक करना है 120 डिग्री। इंशाल्लाह 20 to 25 मिनट के बाद आपके कपकेक बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।